विपुल गोयल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विपुल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सर, जानना चाह रहा हूं आपसे, 50 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, एक सीट जो है वो नतीजों के हिसाब से जीत चुकी है, क्या इस तरीके के नतीजे एक्सपेक्टेड थे आपको? रुझानों में 50 सीटों पर बहुमत हासिल हो चुका है बीजेपी को। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हमारे कल भी और आज सुबह भी नायब सैनी जी ने बताया था मीडिया के अंदर कि हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन था, गरीब मजदूर समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर अग्रणी व्यक्ति तक जो सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस पर मोहर लगाने का काम हरियाणा की जनता ने किया। मेरे कोटि कोटि धन्यवाद। कैसे मुमकिन हुआ सर ये कि 10 साल से सत्ता में थे और 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, मुद्दे होते हैं, पीपीपी को हथियार बनाया जा रहा था, अग्निवीर की बात की जा रही थी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज नहीं किया, सेवा करने का काम किया, शासन नहीं सेवा किया, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार, लोगों की भावना और हमारे मुख्यमंत्री जी का सरल व्यवहार, हमारे नेतृत्व, कुशल नेतृत्व और जो लोगों के आखिरी छोर तक जाकर सेवा करने का काम किया, उसका नतीजा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे संवाददाता ने अभी भी बात की, वो कह रहे हैं हम तो बहुमत में आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये तो सिर्फ रुझान है, जब नतीजे आएंगे तो हम सत्ता पर काबिज होंगे। पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं लोकसभा के, पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। लोकसभा के अंदर भी उन्होंने झूठ बोला कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के साथ झूठ बोलने का काम किया, दलितों से झूठ बोलने का काम किया, किसानों से, जवानों से, तब लोकसभा के अंदर कुछ सीटें लेकर आए, उससे इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि हमारा झूठ बार बार चलेगा। हरियाणा की जनता ने उस झूठ को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आज मोहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी का राज, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का सेवा हमें मंजूर है। मैं आपकी सीट पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो बनता है मौजूदा वक्त में, एग्जिट पोल ने डराया था क्या? क्योंकि एग्जिट पोल में कोई भी नहीं दिखा रहा था बीजेपी को 25 सीटों से ज्यादा और यहां पर बिल्कुल उलटफेर हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एग्जिट पोलों का जवाब अपने रिजल्ट से देती आई है और एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं रखता। हमें जनता के बीच में है, जनता की भावनाओं का हम अच्छे तरीके से जानते हैं और अपनी नीतियां और अपनी सेवा पर हमें भरोसा है। सर, लखन कुमार सिंगला का मुझे बयान याद आ रहा है, 2000 नौकरियां वो भी दे रहे थे, एनआईटी से नीरज भी दे रहे थे, कुलदीप शर्मा जी दे रहे थे, उस बयान को आपसे जवाब लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही की सीट फरीदाबाद। किस तरीके का झूठ वो बोल रहे हैं, जनता हर तरीके से जानती है, ये कोई किसी लाले की दुकान नहीं थी, ये सरकार का काम है कि 50 वोट दो नौकरी दे देंगे, 100 वोट दो नौकरी दे देंगे। किस तरीके का झूठ बोलते हैं ये लोग, मतलब लोग क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? इनका बचकाना बयान इन्हीं पर ही भारी पड़ा और जनता ने इसका जवाब दे दिया है कि तुम कौन होते हो नौकरी देने वाले, नौकरी मिलेगी तो काबिलियत से मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगी और स्कूल और कॉलेज जाने से मिलेगी, किसी नेता के दरवाजे पर खड़े होने से नहीं मिलेगी। रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे क्योंकि आप भी बिजी होंगे, रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, फरीदाबाद के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी विपुल गोयल की? फरीदाबाद के लिए प्रायोरिटी रहेगी विकास, विकास, विकास और फरीदाबाद को विश्व के मानचित्र पर लाना, यही विपुल गोयल का संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल गोयल जी।